श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग अभी चल रही है, थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। देखो हमारी पार्टी गुरुओं के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, सामाजिक बराबरता की बात हमने की है और बाल साहब ने दबे कुचले वर्गों का पहले भी बहुत कुछ किया, चाहे आटा दाल, चाहे सघन स्कीम, चाहे स्कॉलरशिप, चाहे पेंशन, चाहे गरीबों की यूनिट माफ, किसानों की, हर वर्ग का ख्याल बाल साहब ने रखा। आज फिर वो दो अलायंस जो पहले भी 1996 में इलेक्शन लड़े थे और पंजाब में हमने स्वीप किया था, क्लीन स्वीप किया था, फिर दोनों बसपा और श्रोमणी अकाली दल एक प्लेटफार्म पे आ रहे हैं। आप देखो हमारे वर्करों में, बीएसपी और श्रोमणी अकाली दल के वर्करों में कितना उत्साह है, सुबह से नारेबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। सो ये लाइन से पंजाब में स्वीप करेगा। जो हमारे विरोधी पार्टी हैं उन्होंने पंजाब का बेड़ा ही गर्क किया, बड़े बड़े घपले किए हैं, अंदर से फूट पड़ी हुई है, चाहे बीजेपी है वो भी अंदर से बहुत कुछ चल रहा है और कांग्रेस में भी चल रहा है। सो हम 2022 में स्वीप करेंगे। टिकट शेयरिंग में कोई संभावनाएं हैं या कोई किस तरह के मतभेद बन जाएगी बात? टिकटों की बात कोई मायने नहीं रखती, बात तो विचारों की होती है। हमारा विचारक कोई मतभेद नहीं है, प्रिंसिपली हमारा आपस में कोई मतभेद नहीं है, हमारे विचारों में कहीं कोई टकराव नहीं है। इसलिए जब दो सेम विचारों वाली पार्टी इकट्ठी होती हैं फिर टिकटें कोई मायने नहीं रखती, दो कम या दो ज़्यादा सब कुछ सेटल हो जाता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा ख्याल अभी आप देखना 15-20 मिनट में ये अलायंस जो है अनाउंस हो जाएगी। ABP सोचा जोश जज्बा जुनून।